Guys, welcome back to my channel. I'm Ananya and I'm vlogging today because I enjoy doing vlog. So, आज हम जाएंगे एयर शो में. मेरे को ये भी नहीं पता वो इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, और मेरे को ऐसा लग रहा है भोपाल में पहली बार हो रहा है शायद. मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, हिस्ट्री अपन बाद में जानेंगे. बट अभी हम जाएंगे एयर शो देखने. और बट उसके पहले मेरा कल इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ. हे गाइस, आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी, सॉरी फॉर माय बैड वॉइस. बहुत ज़्यादा गला ख़राब है मेरा इस टाइम पर. फिर हम एयर शो देखने गए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी. और ये ना क्लिप्स हैं कुछ एयर शो की, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई थी मैंने, क्योंकि खड़े होने तक की जगह नहीं थी. मतलब ये एग्जैक्ट एयर शो वाला दिन नहीं था, ये रिहर्सल वाला था, बट ये एग्जैक्ट सेम था जो भी एयर शो वाले दिन होना था. और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी तीर्थ में आए. जिस हिसाब से भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था भगवान जी के दर्शन होने वाले हैं. हे गाइस, तो हम एयर शो देखकर सुबह आ चुके थे 1 बजे. मतलब 1 बजे सुबह नहीं होती, बट हाँ आ गए थे 12:30 के समथिंग. उसके बाद मेरे को अब 7:30 भी नहीं, 8 बज रहे हैं अभी. हाँ 8 बज रहे हैं. मेरे को 8 बजे रियलाइज़ हो रहा है कल मेरा पेपर है, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है. मतलब मेरे को कितनी जल्दी रियलाइज़ हुआ, मेरे को अब ये ऐसा अब ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कितनी जल्दी रियलाइज़ हुआ. मतलब क्या दिक्कत क्या है. ठीक है, तो अभी हम बैठ रहे हैं. सो ये जो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट थी. अगर मैं इतना भी नहीं पढ़ती ना, तो लिटरली पेपर में कुछ लिख कर नहीं आती. तो मैक्रो और इंडियन, मतलब मैं पूरा अटेंड करके आई थी पेपर. सिर्फ 10 नंबर का हेर फेर हुआ होगा जो भी हो, बट आई डिड माई बेस्ट. पेपर अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मैं इतने सारे नोट्स कैसे कंप्लीट करूँ, लाइक कैसे पढ़ूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो मैं भूल चुकी हूँ. अब मेरे को फिर से पढ़ना पड़ रहा है. एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो चैप्टर्स मैं 1 महीने से कर रही थी वो मैंने सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट किए थे, विच वॉज इनसेन. इट काइंड ऑफ चैलेंज फॉर मी. हे गाइस, डोंट जज माय बैकग्राउंड. तो आज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ ही चली गई एग्ज़ाम्स में, क्योंकि 15 दिन चलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ाई तो की नहीं है. और तो इस व्लॉग की एंडिंग स्टार्टिंग कहाँ होने वाली है मेरे को नहीं पता, और लिटरली भी मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी, आई कैंट शो यू इवन. माइट बी थिंकिंग कि रूम क्लीनिंग चल रहा था एकदम से ये ऐसे, तो रूम क्लीनिंग तो वो कल चल रहा था, आज का फिर मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया. मेरे यहाँ भी करियर फेयर चल रहा था, एंड द वेस्ट पार्ट अबाउट करियर फेयर इज़ कि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें ली, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिली कि आई कॉन्ट बिलीव दिस कि ये रियल था. करियर फेयर में जाना वर्थ इट था एकदम. लाइक लुक, आई विल शो यू. सो वी गॉट दिस ऑल्सो, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ वाले ऐसे सब कुछ सबको नहीं मिल रहा था, इवन हम लोगों को कुछ लोगों को ही मिला. सो लुक एट दिस, व्हाट्स दिस. सो इट्स बेसिकली यू नो दिस स्टैंड, कुछ तो है ये जो भी हो. ओ आई कैंट शो यू माई होल हाउस. सो ये एक स्टैंड मिला है हम लोगों को. वी गॉट दिस टी शर्ट ऑल्सो, वी गॉट सो मैनी नोटबुक्स एंड यू नो नोट पैड्स, एंड so yeah, we got these you know sticky notes and this pen and these cute things. I can't believe, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, you know, free का माल है, just makes me so happy. Hey guys, so ending this video here. कल रात में मेरे को 104 बुखार था, and अभी भी मेरे को पता नहीं है, मैंने दवाई ली है बट दिमाग काम नहीं कर रहा है. So thank you for watching.